आज मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से, नहीं तो आज मैं एक बहुत कामयाब इंसान हूं। मेरी माँ ने गहने गिरवी रख के लैपटॉप दिया था मुझे कॉलेज में कि मैं इंजीनियरिंग में कोडिंग करूंगा। ये साले पूरा दिन बैठ के उस पर पॉर्न देखते थे। इतना पॉर्न देखा ना कि मुझे एक्स वीडियो से मेल आ गई कि आप हमारे एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन जाओ। सबसे ज्यादा व्यूज मोहित जी में आपके लैपटॉप से ही मिले हैं, और वो लैपटॉप इतना बिगड़ चुका था ना कि मैं जब शट डाउन करके उसका फ्लैप बंद करता था ना, तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप ऐसे हो जाता था। आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतना इंटेलिजेंट बच्चा था मैं स्कूल टाइम तक कि एक बार एग्जाम में ना 10 क्वेश्चन आए थे, ऊपर लिखा हुआ था डू एनी 5, मैंने 10 के 10 करके नीचे लिख दिया यू कैन चेक एनी 5। मुझे ऐसा नहीं चाहिए किसी का। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में गया ना, बैक पे बैक, फेल पे फेल, पहले साल में 12 में से 11 पेपरों में फेल हुआ हूं मैं यकीन नहीं करोगे, छत पे सुसाइड करने चला गया था। फिर मुझे याद है शाम को तो मेरे अमेजोन से जूते आने हैं। उसके पैसे भी मैंने पहले दे रखे थे, ये तो यूज कर करके फाड़ देंगे उसे। और इतने पेपरों में फेल होने का रीजन ये था क्योंकि कॉलेज में मैं हॉस्टल में इन लोगों के साथ करता था ग्रुप स्टडी। कभी ना करी होगी आप लोगों ने। और मैं इस वीडियो के थ्रू सुन रहे हो जो बच्चे, आने वाले स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर कभी तुम्हारे दोस्त पेपर से पहले बोले कि आओ ग्रुप स्टडी करें, तो उन किताबों को बेच देना, और जो पैसा है उससे कहीं घूमने चले जाओ, क्योंकि फेल तुमने तब भी होना है। कम से कम कुछ फोटोज तो अच्छी है फेसबुक पे। मुझे आज भी याद है 25 मई को एग्जाम था और 24 मई को मेरे कमरे में 12-13 लड़के घुसे ग्रुप स्टडी के लिए। किताब एक के पास नहीं है। और होती भी कैसे, जो घर से किताब के पैसे आए थे आधों ने बियर में उड़ा दिए, बाकी ने टेडी बियर में। मैं अकेला बैठा था उस कमरे में किताब लेके, तो ये सबने मेरी तरफ देखना शुरू किया और मुझसे देखा नहीं गया क्योंकि मैं हूं इमोशनल। तो मैंने कहा क्यों किसी का करियर खराब हो, है ना, सब पढ़ने वाले। तो मैंने क्या किया, अपनी किताब के ना चैप्टर्स फाड़ के 12-13 हिस्से करे और मैंने बोला ये लो एक एक उठा के पढ़ के एक दूसरे को पढ़ा देना। कोई गलती तो नहीं करी मैंने शाश्वत? करी। यही सबसे बड़ी गलती। तो मैं अपना पढ़ के एक घंटे बाद जब मैंने इनके कमरे का दरवाजा खोला है तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरी किताब के ऊपर गांजा क्रश हो रहा है और पूरे कमरे में इतना धुआं कि जो किताब में न्यूटन था ना उसकी आंखें लाल हो गई। कह रहा किन लोगों के बीच में छोड़ गया तू मेरे को। और एक ना साइड में बिस्तर पे बैठ के सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा हो गया तेरा? कह रहा कब का। गुस्से में उठा है, मेरे हाथ में किताब पटक के कह रहा है तू तो कह रहा था बहुत मुश्किल है, 10 मिनट में हो गया था मेरा। मैंने कहा चूतिया इंडेक्स है ये। और इसने इंडेक्स के चैप्टर के नीचे अंडरलाइन करके लिखा हुआ कि इंपॉर्टेंट, और जहां पेज रैंक का टोटल 100 हुआ ना इसने उसके आगे पढ़ना भी छोड़ दिया। तो साइड में एक दूसरा बैठा, उसने कहा क्यों इसके साथ अपना दिमाग लगा रहा है यार, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे वो बता देगा। मैंने कहा हाँ पूछ, क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा यार, दोस्त होते किस लिए। कहते हैं नेहा का मैसेज आया, बताइए क्या रिप्लाई कर। मैंने कहा आज ही करना है? कह रहा हाँ। मैंने कहा एक बात बता, नेहा हमारे कॉलेज की सबसे हाईफाई लड़की, इस लड़की ने 15,000 का बालों में कलर करवाया था। और मैंने कहा तूने आज तक एक ही बार सलून में 500 रुपए दिए हैं जब तू कैंची चुराता हुआ पकड़ा गया था। उसने तुझे मैसेज किया है? कह रहा तूने हल्के में ले रखा है, यकीन नहीं आता तो देख ले। तो मैंने फोन देखा तो उसमें नेहा ने सही में मैसेज किया हुआ था, कौन है बे तू। और इसने मैसेज किया हुआ था, नेहा यू कैन लव मी टू। मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो मेरी किताब वापस कर दो। तो एक कहता यार दिक्कत ये कि खाली पेट ना पढ़ाई नहीं हो पाई,
तो पहले ना वहीं चल के ना कुछ खा लेते हैं। तो मैं वहीं बता दूं कि हमारे कॉलेज के साइड में ना बैंकेट हॉल होता था, और हमें जब भी कुछ अच्छा खाना होता था ना, हम वहां पे कहीं पे भी किसी की शादी में घुस जाते थे। कभी किसी ने मना नहीं किया, बड़े अच्छे लोग रहे हमेशा, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही सबने कमरे में बोला ना कि हाँ हाँ वहीं चल के कुछ खा लेते हैं, तो मैंने हाथ जोड़ दिया। क्योंकि देखो मैं वैसे तो बहुत शादियों में घुसा हूं, मैं बहुत शादियों में घुसा हूं, लेकिन मैं इनके साथ पिछली बार जिस शादी में घुसा था ना, एक ने इतनी पी ली कि नशे नशे में ना विस्की का गिलास घुमाते हुए दुल्हन के बाप के कंधे पे हाथ रख दिया। कहता भाई साहब कुछ भी कहो, लड़की है तो माल। प्लेटे तो प्लेटे, टिश्यू पेपर तक धुलवाए इन लोगों से। कह रहे बेटा सुखा के जाएंगे इसे, किसी और की तो छोड़ो, ये जान पहचान की शादी में ले जाने लायक नहीं है। हमारी एक टीचर की शादी थी, तो वो होते ना टीचर के कुछ फेवरेट स्टूडेंट, तो उसने बुलाया था कि बेटा आना है। तो वहां पे हम पहुंचे, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही वो विदा होके गाड़ी की तरफ आ रही थी ना, एक के मन में पता नहीं क्या आया, कह रहा मैडम शादी के बाद भी भूल मत जाना, कीप टचिंग अस। मैंने कहा साले वो कीपिंग टच होता है। वो पहली विदाई थी जिसमें धूले के आंसू निकल रहे थे। तो उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा। कह रहे चल ले यार, बहुत भूख लग रही है, मर जाएंगे भूख से। मैंने कहा चाहे मर जा, मैं नहीं जा रहा। कह रहे चल ले यार, पंजाबियों की शादी है, लड़कियां भी सही होंगी। मैंने कहा तुम्हें भूख लग रही है, इसलिए चल रहा हूं मैं। चला सबका सूखता यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहते नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो हम सब ने अपने कपड़े वपड़े पहने, डीओ वीओ लगाया, और हम वहां पे पहुंचे। तो जब हम पहुंचे तो वहां पे बारात ना बैंकेट हॉल से थोड़ी दूरी पे थी, और वहां पे डांस वगैरह चल रहा था। तो कुछ लड़कों के मन में पता नहीं क्या आया, वो दूल्हे से मिलने उसकी बग्गी पे चढ़ गए, गले मिल रहे। एक ने मिला, दो ने मिला, 12 लड़कों ने गले, दूल्हे की फटके, कह रहे इतने कजन है मेरे। कह रहा मेरे बाप ने तो बताया नहीं आज तक मेरे को। और गले मिलने के बहाने उसके गले में जो नोटों का हार नहीं था, उसमें से एक एक नोट निकाल के वापस। अगर वो दूल्हा 5-6 बार और गले मिल लेता ना, तो वो सिर्फ धागा लेके जा रहा होता अंदर। और एक ने तो सारी हदें पार कर दी, उसने देखा ढोल वाले को 500-500 के नोट उड़ा के दिए जा रहे हैं, तो उसने उसके गले से निकाल के अपने गले में डाल के बजाना शुरू कर दिया। और ये कह रहे थे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त खड़ा था, मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई हालात ज्यादा देर के लग नहीं रहे। तो मैंने कहा तू मुझे सही बंदा लग रहा है, हम दोनों अंदर चल के कुछ खा लेते और निकलते हैं यहां से। उसके बाद जैसे ही अंदर घुसे तो मैं सेटअप वगैरह देख रहा था, तो मेरा कंधा जो था ना एक लड़की से टकरा गया गलती से। तो उसने मुड़के मेरे को बोलना शुरू कर दिया इंग्लिश में, कैरी कांट यू सी आईज ऑफ बटन, इंग्लिश पे इंग्लिश मेरे सामने। तो मुझे भी जितनी इंग्लिश आती थी मैंने भी सारी एक ही बारी में बोल दी। मैंने कहा या वहां से मैंने इसे पकड़ा, मैंने कहा चल भाई खाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने प्लेट उठा के स्नैक्स वगैरह डालने शुरू करे, तो मैंने स्नैक्स वगैरह प्लेट लेके इसे पूछा, मैंने कहा भाई तू क्या लेगा, ये है ही नहीं। मैंने देखा इधर उधर, तो मैंने कहा ये डीजे पे नाच रहा है, और इतनी खुशी रिश्तेदारों को नहीं हो रही जितनी इसे हो रही है। नाचते नाचते इसका हाथ एक आंटी को ऐसा लगा है कि वो औरत थोड़ी देर तक पेंडुलम की तरह हिली है। जब वो वापिस अपनी जगह पे आई ना, तो उसने इसे कंधे पे हाथ मार के पूछा कि बेटा आप किस साइड से है। खेलता आंटी गुड़गांव साइड से। उसने कहा नहीं बेटा मुझे लगता है मैंने गलत सवाल पूछा, आप रिश्ते में रिश्तेदारी में क्या लगते। कह रहा अच्छा। कह रहा आंटी मैं ना दूल्हे के मामा का लड़का हूं, और वो औरत थी दूल्हे की इकलौती मामी, और दूल्हे का मामा कर रहा था नीचे नागिन डांस। ये सुन के वो औरत उस अजगर को ना खींचती भी ले गई है। मैंने पहली बार आंखों के सामने सांप की खाल उतरते हुए देखा। तो मैंने ये देख के फटाफट स्नैक्स और तेजी से भरने शुरू करे। मैंने कहा अब तो कुछ मिनटों का ही माहौल रह गया। तभी ये डीजे से भागता हुआ आया और खाने वाली जगह के पास आके छुप गया। तो मैं जैसे ही स्नैक्स की प्लेट लेके इधर घूमा ना, तो मैंने देखा मेरे सामने दूल्हे के मामा जी और उसके दो हट्टे कट्टे लड़के। कह रहे तू कौन है? मैंने कहा सर मैं तो वेटर।
आप मशरूम ट्राई करें हमारे, और वो टिश्यू पेपर में मशरूम डाल भी रहा है। इतने में वो लड़की आ गई जिससे मेरा कंधा नहीं टकराया था, कह रही मामा जी मैंने इसे उस लड़के के साथ घुसते हुए देखा है। टेल टेल मामा जी, टेल टेल ना। मैंने कहा या तो कह रहे देख सच सच बता दे वो कहां छुपा है, वरना हमने ढूंढा तो बहुत पिटोगे, और मैं देखो चाहे जैसा भी। लेकिन मैं ऐसा बंदा हूं यार कि दोस्ती में मैं जान तक दे सकता हूं। मैंने कहा बे ओ वो टेबल के नीचे छुपा है। हाँ तो मैंने ये थोड़ी बोला था मैं अपनी जान दे सकता हूं, मैंने यही बोला दोस्ती में जान दे सकता हूं, दे दी ना मैंने उसकी। तो जैसे तैसे हम वहां से वापस हॉस्टल आए, और मैंने वही किया जो हर बच्चा पास होने के लिए करता है, मैंने सारे पेन मंदिर में रखे और मैंने भगवान को बोला, मैंने कहा बहुत लड्डू चढ़ा दिए, अब वक्त आ गया कर्ज चुकाने का, और मैं सोने चला गया। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ, मैं दरवाजा खोला तो एक बच्चा स्प्रिंग की तरह उछल रहा था। मैं क्या हुआ, कह रहा भाई पेपर आउट हो गया। मैंने कहा क्या, कह रहा भाई पेपर आउट। मैंने कहा बहरा नहीं हूं, हैरान हो रहा हूं। तो ये सुन के मैं इनके कमरे में गया हूं भागता हुआ। मैंने कहा भाई पेपर आउट हो गया, इन्होंने अलमारी से बोतल निकाल ली। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कह रहे सेलिब्रेट। मैंने कहा सेलिब्रेट, कह रहे अब तो पता है ना यार पेपर में क्या आ रहा है, अब जब 90 प्लस आ ही रहे हैं तो पहले दो दो पैक मार लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे आराम से। तो पता नहीं क्यों मुझे इनकी बातों में लगा दम। मैंने कहा मेरा भी बनाया जाए। लेकिन कोई हमें हॉस्टल में पीते हुए पकड़ ना ले वरना सस्पेंड कर देते। तो हमने एक लड़के को बोला कि तू ना कमरे को बाहर से लगा दे ताला। तो इसने ताला लगाया और फिर अपना दिमाग लगाया और चाबी जो थी ना दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर सरका दी। और जब ये चाबी सरका रहा था ना तो वहां पर प्रिंसिपल और वार्डन पेपर आउट होने को लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने देख लिया। वो इसके पास है, कह रहे अब एक बात बताइए तू ये दरवाजा खोलेगा कैसे। आप क्या बोलोगे, कोई भी क्या बोलोगे, दूसरी चाबी है मेरे पास, यही बोलोगे। इसने पता नहीं कौन से नशे कर रखे थे, कैसे सर ये चाबी ना आवाज से बाहर आती है, आवाज से। प्रिंसिपल कहता वाह बेटा आप तो विज्ञान से भी 100 साल आगे चल रहे हैं, जरा बुला के दिखाए। तो फिर बुला भी रहा है, कह रहा चाबी बाहर आओ, और एक चूती ने अंदर सरका भी दी। अब मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई शराब ना किसी खुफिया जगह पे छुपा दो, रेट पड़ने वाली है। तो पता है कहां छुपाई है, कंप्यूटर के सीपीयू में। और छुपाई तो छुपाई, खुली बोतल टेढ़ी करके रख दी। अब उस सीपीयू में से ना बूंद बूंद टपक रही है। तो मैंने इनकी तरफ देखा, कह रहे हम संभाल। अब प्रिंसिपल ताला खोल के अंदर घुसा तो उसने इधर उधर देखा, उसकी नजर पड़ी सीपीयू पे। उसने देखा बूंद बूंद टपक रही है, कह रहा भैंजू ये क्या हो रहा है। तो एक निकल के कहता है सर एक्चुअली ये ना डेटा लीक हो रहा है। वी आर वर्किंग ऑन इट, शाम तक सब हमारे कंट्रोल में होगा। बाकी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और हम घर जा रहे हैं।